हेलो बीटीएस आर्मी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बीटीएस वी के न्यू सॉन्ग फ्रेंड का फ्लैश वीडियो देखने के बाद हम सभी फैंस को ऐसा लग रहा था वी का ये न्यू सॉन्ग एक लवी डवी क्यूट सा सॉन्ग होने वाला है रोमांटिक म्यूजिक वीडियो के साथ। पर हमारे अरमानों पर दो बाल्टी पानी फेंकते हुए वी के इस न्यू टीजर ने बताया कि वी की ये म्यूजिक वीडियो रोमांटिक के साथ ही साथ एक सैड एंडिंग वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें फिर से वी का डेथ सीन दिखाया गया है। तो फ्रेंड की म्यूजिक वीडियो के सेकेंड टीजर को देखकर फैंस को ये बात बहुत ही ज्यादा फनी लगी कि कैसे वी ने 2 घंटे पहले अपने इस फ्लैश वीडियो में अपनी रोमांटिक फोटोज हम फैंस को दिखाई एंड हम फैंस को क्यूरियस किया कि वी के इस म्यूजिक वीडियो में किस सीन हो गया नहीं। एंड फिर 2 घंटे बाद फ्रेंड का टीजर रिलीज हुआ, जहां हमें देखने को मिलता है कि फिर से वी को इस बार उसकी एक्टिंग में हैप्पी एंडिंग नहीं मिली है एंड वी का एक्सीडेंट हो गया है। एंड इसे देखकर बीटीएस आर्मी का कहना है कि बीटीएस वी कितनी भी रोमांटिक शूटिंग कर ले, एंड में वी को डेथ सीन ही शूट तो वी ने आज तक जितनी भी एक्टिंग करी है सब में ही वी के साथ ऐसा होता आ रहा है। सबसे पहले H5Y एल्बम की म्यूजिक वीडियो में भी सारे मेंबर एंड में जिंदा थे, पर वी के साथ ये डेथ वाला हादसा होता है। फिर इसके बाद बैंक 10 यूनिवर्स की कॉमिक बुक में भी वी के साथ सेम यही चीज होती है एंड इवन हुआरंग के ड्रामा में भी वी अपने इस फेवरेट सीन से बच नहीं पाए। साथ ही साथ लव विंस ऑल की म्यूजिक वीडियो में भी वी और आयु को ये क्यूब खा जाता है। और अब इस फ्रेंड सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो जो पहले बहुत ही ज्यादा लवी डवी लग रही थी, बट इसमें भी वी का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि वी कहीं भी कुछ भी शूट कर ले वी को कभी भी उसकी हैप्पी एंडिंग तो नहीं मिल सकती है। इसी के साथ वी के इस टीजर को देखने के बाद अब फ्रेंड सॉन्ग के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो भी बदल गया है, क्योंकि अभी तक फैंस की इस सॉन्ग को लेकर ये थ्योरी थी कि वी और ये गर्ल बचपन की फ्रेंड है और फिर वी को इस गर्ल से प्यार हो गया और इसीलिए वी अब अपनी इस फ्रेंडशिप को एंड करना चाहते हैं और इसी वजह से फ्रेंड वर्ड में एंड वर्ड इतना बोल्ड में लिखा हुआ है। पर अब फैंस का मानना है कि इस म्यूजिक वीडियो में वी का एंड हो गया, इसीलिए फ्रेंड वर्ड में एंड वर्ड बोल्ड में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड सॉन्ग के जितने भी कंटेंट अभी तक रिलीज हुए हैं, ये सभी एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग है कि अब वी के फ्रेंड सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो कैसी होगी इसे गेस कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। एंड इन सब कॉन्टेंट की वजह से अब फैंस की एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट 15 मार्च को इस म्यूजिक वीडियो को देखने के लिए 7वें आसमान में नहीं बल्कि 700 आसमान पर भी पहुंच गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कभी भी हमारे वी को उसकी एक्टिंग में डेथ सीन से छुटकारा मिलेगा या नहीं? अपनी राय मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।